खरगोन पुलिस ने महज 18 घंटे में 35 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है। विभाग इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। आपको बता दें कि मामला सनावद रोड स्थित निर्माण मोटर शोरूम का है, जहां बदमाशों ने 2 जनवरी को 35 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर टीम गठित की और संदेह के आधार पर शोरूम पर कार्यरत कर्मचारी और उसके सहयोगी मामा को धर दबोचा। इसमें लाखों की राशि बरामद भी हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने बताया कि लालच में आकर कर्मचारी ने सहयोगी मामा के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 2 तारीख को एक निर्माण मोटर्स के शोरूम में घटना हुई थी। उसके लिए एक लिखित आवेदन वहाँ के अकाउंट मैनेजर मांगीलाल सोनी ने किया। उस आवेदन में मूलतः बात ये थी कि 35,33,860 रुपये उनके कैश जो रखते हैं उसमें से गायब है और वो नहीं मिल पा रहे हैं। आवेदन पर से एक FIR ली धारा 380 पर और इसमें एक विवेचना की गई। तो श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय और अतिरिक्त महानिदेशक महोदय, DIG साहब, तिलक सिंह साहब और SP साहब गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने की, धरपकड़ करने की, रिकवरी करने के लिए निर्देश दिए गए। इस पूरी घटना के होते तत्काल बाद पुलिस ने काफ़ी सक्रियता दिखाई। SDOP साहब रोहित अलावा जी और थाना प्रभारी गीता सोलंकी मैडम, दिनेश जो हमारे चौकी प्रभारी, इन सब ने काफ़ी सक्रियता से उनको राउंड अप करने की कोशिश की। चूँकि अकाउंटेंट और उनके जो कुछ सहायक थे उसमें एक दीपक यादव नाम का व्यक्ति था जो उसकी चाबी रखता था, तिजोरी की चाबी भी रखता था और उसके पोजीशन में रहता था। उसको राउंड अप किया गया, पूछताछ की, काफ़ी सारी तरीकों से उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपने उनको स्वीकार किया। उसमें उनके सहयोगी उसी का एक मामा है जो वहीं काम करता था, मांगीलाल शांतिलाल यादव और दीपक यादव दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूरी रकम रिकवरी का रखा हुआ है, पूरा रिकवर किया गया। 18 घंटे में पुलिस ने मामला खुलासा क्या क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, ये पुलिस की बहुत सक्रियता और सकारात्मक भूमिका है इसमें। और 2 तारीख को जैसे ही घटना हुई, पुलिस के पास जब आवेदन आया उसके बाद 18 घंटे के अंदर ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और साथ ही पूरी तिजोरी की गई राशि की पूरा मजबूता बरामद किया गया। और इस काम को पूरा टीम ने एक अंजाम दिया है, पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत की। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में SDOP साहब है रोहित अलावा साहब, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी जिसमें गीता सोलंकी मैडम और दिलीप चौहान हमारे जो चौकी प्रभारी हैं, सामने खाने और चौकी का जो स्टाफ था, इन सब ने मिलकर इसमें काम किया और बहुत बारीकी से पूछताछ करके, बहुत टेक्निकली टैकलिंग की उन लोगों से पूछताछ करके पूरा मसले का बरामद किया। घटना में उपयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्ती की गई है और साथ में दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सर, आरोपियों में से एक आरोपी वहीं का कर्मचारी बताया जा रहा है। हाँ जी, दीपक वहीं पे कर्मचारी हैं, दीपक यादव, वो उनके ही पूरा इंसान था और उनका एक साथी है जो उनके रिश्ते में मामा भी लगता है, वो भी उसमें इन्वॉल्व था। कितनी राशि है? ये राशि है 35,36,860 रुपये की राशि। आदतन आरोपी सर? नहीं, इसका अभी तक तो कोई रिकॉर्ड अभी नहीं आया है, देखते हैं। क्योंकि वो वहीं काम कर रहा था और उसके सामने सारे ट्रांजेक्शन था कैश का, तो लालच लूट के बस हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।